पास एक भाई आते हैं, छोटे से गांव के हैं, बहुत दादाजी के ज्ञान उन्होंने दादाजी के पास से लिया था बरसों से, बहुत ज्ञान उन्होंने अपने जीवन में पछाया। उन्होंने किसी भाई को कुछ पैसे दिए होंगे, उधार दिए होंगे। और वो उस बेचारे के पास उसकी कुछ दुकान थी, उसके पास उसने बेची थी तो कुछ पैसे दे नहीं पाया था। और इसको बहुत बड़ी लॉस आ गई थी, उसके लॉस में वो सब चले गया उसका बेचारे का, और बहुत बीमार भी गिर गया। अभी इसने अपने पैसे के लिए कोर्ट में केस किया, चला बरसों तक केस चला। आपको तो मालूम है वकील है तो, यह सब सिविल केस सब बरसों तक 15 साल तक चले। इधर 15 साल में यह आदमी बेचारा तो पैसे से भी चले गया था, उस अपनी सेहत से भी ख़त्म हो गया, बहुत बीमार रहता था, बिस्तर पे ही रहता था 24 घंटे। तब ये भाई, उनका नाम शांति भाई था, तो शांति भाई अपने पैसे के लिए बहुत पीछे पड़े थे। उन्होंने केस किया, वकील लगाया, और इसके पास तो वकील लगाने के भी पैसे नहीं थे। करते 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 वो जीत गया, उसको डिग्री मिल गई कोर्ट से, तो लेके आया सब समन्स लेके आया डिग्री का सब, तो उसके पास जो भी कुछ था सब जब्त करने आया, घर की सब चीज़ें वगैरह सब जब्ती में लेने को आया। उसके कुछ 50,000 रुपये थे लेने के, तो सब लोग को पुलिस वाले और कोर्ट वाले ने सबको लेके आया। तो जैसे घर में देख घुसा वो शांति भाई सबके साथ, तो बेचारे घर के लोग सब डर गए, रोने लग गए जोर जोर से। वो बेचारा आदमी भी रोने लगा, बिस्तर पे था, उठ भी नहीं सकता था वो। तो यह सब देख के मेरी शांति पे तो एकदम हैरत पा गए, क्या होगा, पैसे कहाँ से मिलेंगे, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो फिर वो तो बोलने लगे शांति भाई उस आदमी को, पहले तो उसका मित्र ही था, तो पैसे इस तरह से दिया था उसने दुकान। तो जैसे अपने मित्र पास गए, मित्र के पास शांति भाई, तो बेचारा हाथ जोड़ के आँख में पानी ला के बोलने लगा कि भाई ये जो तुम डिक्री लेके आए हैं, तो ये पैसे मैं इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी फेड़ सकूँ, ऐसी मेरी हैसियत नहीं है, आपको जो करना है सो करो। तो ये शांति पे एकदम चमक गए, अरे ये आदमी कह रहा है इस जन्म में तो नहीं लेकिन अगले जन्म में भी मैं आपके पैसे नहीं फेड़ सकूँगा। तो ये जन्म में तो मेरे गए और अगले जन्म में भी इस आदमी के साथ मुझे ऐसा ही हिसाब चालू रहेगा, और मुझे तो छूटना है, मैंने तो दादाजी का ज्ञान लिया, मुझे तो मोक्ष में जाना है। ये इसके साथ मैं कर्म बांध रहा हूँ, कितना गलत कर रहा हूँ, और सिर्फ 50,000 के लिए। अरे बाप, मुझे कुछ नहीं करना है। और कुछ बोले नहीं शांति भैया, चुपचाप उन्होंने टिकरी का जो कागज था वो उसके सामने ही फाड़ डाला, और सब लोगों को कहा आप वापस चले जाओ, आपका जो खर्च है मैं दे दूंगा, आप चले जाओ। और अपने मित्र को उन्होंने ऊपर से 1,000 रुपये दिए दवा करने के लिए, और कहने कि भाई माफ़ कर दे, मैंने तेरे को बहुत परेशान किया,
मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, तू आराम से शांति से जी, मेरे कर्ज का दिमाग में बिल्कुल मत रख, सब आ गए, मेरे पैसे वसूल हो गए, और तू ये दबा कर अच्छा हो जा और अपनी दुकान चला। बोलो आज भी वो शांति भाई बड़े आनंद में है, मुक्त आनंद में है, उनको कोई चीज़ की कमी नहीं है। अरे यहाँ तक कि उनका बेटा कोई किसी लड़की को लड़की के साथ शादी करके आया था दिल्ली से, कोई पंजाबी लड़की, और वो थे गुजराती, छोटे से खेड़े के थे वो, तो गांव बहुत छोटा गांव था, और वो दिल्ली से आई थी, बड़ी चमक दमक देख के आई थी, लड़का अच्छा था दिखने में लेकिन कुछ पैसे नहीं थे उसके पास, आ गए, कैसी थी कौन जाने, लेके आया वहाँ से यहाँ, आते ही उसने तो कहा कि ये घर में अच्छा अच्छा खासी अच्छा फ्लैट था, शांति भाई के पास तो पैसे थे, दूसरा भी फ्लैट था छोटा था तो वो ऐसे बंद पड़ा था, आते ही उसने कहा कि बड़ा फ्लैट है छोटा भी फ्लैट है, लड़के को कहा तेरे माँ बाप को बोल ये घर खाली करके चले जाए। तो अभी लड़का भी देखो 8 दिन भी नहीं हुए थे, बाप को बोलने लगा पिताजी आप चले जाओ ये घर छोड़ के, वो दूसरा फ्लैट है ना वहाँ जाओ, वो कह रहे वो फ्लैट बंद है वहाँ कुछ चलता नहीं है, पानी भी नहीं आता है, कुछ नल भी नहीं है, ड्रेनेज भी नहीं है, कैसे जाऊँ और रहूँगा कैसे, कैसा भी करो आप किराए के मकान में चले जाओ जो करना है सो करो, लेकिन इस घर में तो मैं अपनी पत्नी के साथ रहूँगा, उसको आपके साथ रहना पसंद नहीं है, वो तो अलग ख्यालात की है, आप भी अलग ख्यालात की। शांति बहन ने कहा ठीक है बेटा तू खुशी से रहे, तेरा हिसाब तू पूरा कर, मेरा हिसाब मैं पूरा कर, अपनी पत्नी को लेके बोरिया बिस्तर लेके कहीं किराए पे मकान पे चले गए, बड़े प्रेम से शांति से प्रेम रहते हैं, क्या जरूरत है मुझे 2 टाइम रोटी मिलती है, इतना तो मेरे पास है अपने मकान में, नहीं तो किराए के मकान में, जो भी मेरे से हुआ सो न्याय है मेरा पूरा। अभी ऐसे आई इस ज़माने में ऐसे ज्ञान से रहने वाले मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सब लोग ऐसे हो जाएंगे तो फिर वकालत का धंधा चौपट हो जाएगा, ये होना नामुमकिन है, लेकिन हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन नामुमकिन है, इतना इतना इतनी हाई स्टेज पर आध्यात्मिक हाई स्टेज पर जाना इजी नहीं है, अपना सब कुछ छोड़ के मुझे शांति चाहिए, मुझे तो ये झगड़ा नहीं चाहिए, किसी को दुख देके मुझे कुछ मुझे सुखी नहीं होना है, यह सिद्धांत पे जीना चाहते हैं, समझ में आ रहा, हम भी किसी को दुख देकर थोड़ी, आप भी अगर वकालत करते हैं असील के पास से ज़्यादा पैसे उगलवाते हैं तो उसको तो दुख होगा ना, अगर उसके पास पैसे नहीं तो भी वो केस हार भी गया तो भी आपकी तो फी तो पक्की फी पक्की रहेगी, तो फिर उसको वो तो पहले ही ले लेते हैं, हाँ तो उसको उसको कितना दुख होगा, हारने के बाद वो कितने आपको हाय देगा, कितने आपको कह रहे ये कैसा वकील मिल गया मेरे को हरा दिया, तो ये सब बद्दुआएं तो मिलती है, वो कहाँ से जाएगी, हमको छोड़ेगी नहीं, तो इससे शांति है चाहिए तो ये सब मैसेज हो जाए, सच्चे का सच्चा करूँगा, झूठ का सच्चा नहीं और झूठ सच्चे का झूठ नहीं, इस तरह से आगे बढ़ो, आगे आगे करते 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 ये शांति भाई जैसे हो जा, हुआ सो न्याय सच्चिदानंद, बस अभी ऐसा ही करना है। हाँ प्रणाम। मेरी लड़की को परीक्षा आती है तो टेंशन आ जाता है, तो उसको टेंशन में देखकर मुझे भी टेंशन आ जाता है, तो क्या करना? कुछ करना नहीं, टेंशन ना करो, एग्ज़ाम बेटी की है आपकी थोड़ी है, ऊपर से बेटी को हिम्मत दो, हौसला दो, आपको टेंशन आ जाता है उसको टेंशन देखकर तो उसका टेंशन 10 गुना बढ़ जाएगा, समझ में आया? उस समय आपने की फ़र्ज़ क्या है, माँ की फ़र्ज़ क्या है कि आप तो बिल्कुल टेंशन में नहीं आना चाहिए, मुक्त रहना चाहिए, और बेटी को हिम्मत देना चाहिए उसको टेंशन में से मुक्त करवाने की आपकी फ़र्ज़ है,
यहाँ तक आप बेटी को कहे, बेटी कोई फिक्र टेंशन में मत आ, तूने इतनी सुंदर पढ़ाई की है तो तू पास हो ही जाएगी, अच्छे मार्क्स आएंगे ही, और अगर नहीं भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिक्र मत कर, पढ़ाई जितनी है उतनी कर, ज़्यादा कढ़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, साल भर जो किया है बहुत किया है, अभी एग्ज़ाम के टाइम में कुछ ज़्यादा पढ़ने से कुछ ज़्यादा आ जाएगा और मार्क्स ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर से टेंशन से जो आता है ना वो सब भूल जाता है, ऐसा होता है। हाँ, तो टेंशन बहुत बुरी चीज़ है बच्चों का, अभी के ज़माने में टेंशन बहुत बढ़ गया है, ये जनरेशन में बहुत टेंशन, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना केजी में पढ़ते तो भी एग्ज़ाम का टेंशन, अरे क्या टेंशन, और बच्चों से ज़्यादा माओं को टेंशन, छोटे बच्चों को कितना टेंशन होगा, माँ को ज़्यादा टेंशन, और माँ बच्चों के अंदर टेंशन घुसाती है, और इतना ही नहीं अपने पति के दिमाग में भी टेंशन, आपको तो कुछ फिक्र ही नहीं है, बच्चों के एग्ज़ाम आए आप तो टीवी देखते हैं, घूरते हैं, क्या करते हैं, अरे वो क्या बाप पढ़ने बैठेगा या माँ पढ़ने बैठेगी, पढ़ो जितना पढ़ाई होती है उतना पढ़ो, ना पढ़ा है तो सो जाओ, आप भी सो जाओ उसको भी सोने दो, एग्जाम के वो आई नहीं है, वो बेलगाम पढ़ती है, बेलगाम रड़ने लगती है, ओ फोन पर, बेलगाम में क्या क्या मेडिकल में पढ़ती है, नहीं फार्मेसी में, फार्मेसी में पढ़ती है, तो कुछ नहीं, आपने रोने की ज़रूरत नहीं है, उसको फोन से हिम्मत दो और कितना भी करके पास हो ही जाओगी, और नहीं हुई तो भी कोई फ़र्क नहीं है, चार साल के बदले पाँच साल में भी फार्मासिस्ट होगी तो भी हमको कोई हर्ज नहीं है, मैं तो ये बोलती हूँ, बस बस हिम्मत से उसको काम देना। हमारे पास ऐसा हुआ था, एक लड़का आया था रात को 12 बजे, उसको बहुत टेंशन आ गया था, 12 बजे हमारे अचानक आ गया माँ और बेटा दोनों, बेटा जोर जोर से रोने लगा, बड़ी आवाज़ कर करके, हमने कहा क्या हुआ, तो उसकी माँ कहने, वो भी रोने लगी, वो भी रोती रोती आई जोर जोर से, कहने लगी कि मेरा बेटा बहुत डिप्रेशन में आ गया है, कल उसकी एग्ज़ाम है, लड़का तो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट है, हमेशा फर्स्ट क्लास पास होता है, लेकिन अचानक उसको इतनी सारी टेंशन आ गया, और कहता है मैं सारा भूल गया, मुझे कुछ याद नहीं क्या पढ़ाई की, तो और कहता है भी मुझे कल एग्ज़ाम नहीं देना है, मैं फेल होने वाला हूँ, तो बेहतर मैं एग्ज़ाम ना दूँ, तभी इसे क्या किया जाए, हम उसको बहुत समझाते हैं पर नहीं समझता है, रोता ही है, घंटों से रोता बैठा है, तो हमने कहा चलो नीरूमा के पास ले जाएं, तो फिर हमने बेटे को समझाया, आधा घंटा तक समझाया, तो भी वो तो उसका कुछ समझ में नहीं आया, उतर आता, बहुत डिप्रेशन में था, फिर हमने कहा कि देखो बेटा कल पढ़ाई, कल तक कुछ पढ़ाई मत करो, रात को नींद की गोली लेके सो जाओ, सुबह में जाके एग्ज़ाम में, इस एग्ज़ाम में नापास होने के लिए मैं एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा करके एग्ज़ाम देने को जाना सुबह में 10 बजे, सब लोग पास होने के लिए जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, आप मैं नापास होने जा रहा हूँ, ऐसा करके जाओ, कोई हर्ज है आपको, तो कहने लगना तो बिल्कुल कोई हर्ज नहीं मुझे, फिर शांत हो गया वो, फिर कहा कि बस तो इस अभी जाके सो जाओ नींद की गोली खा के, सुबह में 9 बजे उठो, 9:30 बजे उठो, उठ के सीधा एग्ज़ाम देने जाओ, तो उसको अच्छा लगा, मान गया, एकदम शांत हो गया, और इतना ही नहीं दूसरे दिन गया सुबह में एग्ज़ाम देने के लिए, और शाम को हंसते 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 आया हमारे पास, बहुत अच्छा गया पेपर, मैं तो फर्स्ट क्लास हो जाऊंगा, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, सारे एग्ज़ाम्स उसने इस तरह से दिए और फर्स्ट क्लास, बाद में पास भी हो गया, फर्स्ट क्लास पास हो गया, देखो इस तरह से टेंशन में सब डिप्रेशन में चले जाते हैं, और इसको सब आता है तो भी भूल जाते हैं बच्चे, ऐसा होता है उसको। हाँ, तो आप भी हमारी तरफ से बच्ची को समझाना और कहना कि डोंट वरी, उसको आशीर्वाद दो,
हाँ आशीर्वाद है हमारा। हाँ जय सचिन। नमस्ते निरुमा। नमस्ते। मेरा एक प्रॉब्लम है, अभी मेरा हस्बैंड है वो रिटायर हो गए हैं, तो पूरा दिन घर में कुछ न कुछ बोलते हैं, तो मेरे को बहुत अंदर से तकलीफ होती है और उसको बोल भी नहीं पाती हूँ, थोड़ा गुस्सा करती हूँ, फिर भी अंदर से दुख होता है, फिर भी क्या करूँ मैं, पूरा दिन उसके साथ वो अकेली बाहर जाती हूँ, वो भी नहीं चलता है उसको, तो ऐसा होता है कि तू चले जाती है मैं क्या करूँ घर पर, और वो घर पे अकेले बैठते हैं, तो अभी मैं क्या करूँ, कुछ क्या करूँ यार, क्या तलाक तो नहीं कर सकती है उम्र वो में, तो नहीं कर पाती तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रेम से आओ उसको, उसके साथ गुस्सा वगैरह मत करो, और कुछ काम में लगा दो, कुछ पढ़ाई पंचन अच्छा कुछ सारी 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 किताबें आध्यात्मिक किताबें पढ़ो, या कुछ समाज सेवा के कार्य में लग जाओ, या सत्संग के कार्य में, वॉलेंट्री वर्क में, कुछ में कुछ कार्य में थोड़ा सा ऑक्यूपाइड रहो, तो ये सारा झमेला कम हो जाता है। ये रिटायर पीपल के प्रॉब्लम यही होते हैं, क्या होते हैं, जिंदगी भर काम धंधा करते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, पहले टायर हो जाते हैं, फिर रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होने के बाद टायर हो गया रिटायर, फिर कितना भी रीमोल्डिंग करो तो भी चलता नहीं है ये टायर। और बहू को भी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसा बोलते हैं आप पापा जी क्यों इतना खिटपिट करते हो, आप खाली दोनों टाइम आके बैठ के खाना खाओ अच्छी तरह से और घूमो, पर आप दूसरा बात मत करो, तो उसके साथ भी थोड़ा ये हो जाता है। ये होएगा ना भी, बहू को अच्छा लगेगा, ये बूढ़े बूढ़ी इतने ये उम्र में ऐसा करेगी तो कैसा अच्छा लगेगा उसको, इससे अच्छा कहती कि आप भेजा फेड़ू मत करो, बैठे बैठे आराम से दो टाइम खा लो और ये प्रेम से रहो, क्या आपको इसने ऐसा क्यों लगता है कि वो रिटायर हो गए इसलिए उसके अंदर कमरे में, आप उसके साथ बैठ के बातें करो, किताबें पढ़ो, मैं पढ़ती हूँ तुम पढ़ो, क्या निर्मा उसको थोड़ा सुनने में भी कम आता है, तो फिर एक दफ़े बोलने से नहीं होता, तो फिर कभी ये हो जाता है दो तीन, एक ही चीज़ दो तीन बार बोलने से भी नहीं मालूम पड़ता है, तो मेरे को अंदर से उसके साथ फिर अच्छा ही नहीं लगता है बात करना, थोड़ा इशारे से बोलना सीख लो, घूमने जाए थोड़ा इशारे से सीख लियो। निरुमा मैं उसके साथ कभी कभी बात भी करता हूँ तो मेरे से कभी बातचीत भी नहीं करती है वो, और मैं बोलता हूँ चलो अपन घूमने थोड़े कभी चले जाओ कंटाल गए तो चलो, तो वो भी ना बोल रही कि नहीं मैं आएगी नहीं साथ में, तो मैं बोला थोड़ा चलो कभी पिक्चर देखने को जाओ कहीं भी, तो मेरे साथ बात ही नहीं कर रही है, अभी कुछ भी मैं बोल बात कर रहा हूँ तो कुछ नहीं बात कर रहा है मेरे से, कुछ न कभी कभी गुस्सा भी मेरे सामने हो जाती है, मैं बोला क्या करूं भाई, मैं आखा दिन कंटाल गया, आज चोपड़ी पढ़ पढ़ के भी कंटाल गए, टीवी देख देख के भी कंटाल गए, तो अब क्या करूं मैं, थोड़ा सा मालूम नहीं पड़ता है मुझे क्या करना। वो कभी बोलते हैं मेरे को पिक्चर देखने का है तो चलो, तो बोला मेरे को नहीं अच्छा लगता है, वो एसोसिएट ग्रुप में मेंबर होने को बोलते हैं, मेरे को भी वो कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, तो मैं उसके साथ कैसे हिल मिल सकती हूँ, मेरे को धर्म का ही अच्छा लगता है। लेकिन आप अपने जैसे कोई बूढ़े आदमी का फ्रेंडशिप कर लो ना, तो ये सारा झमेला कम हो जाएगा, आपकी उम्र वाले के साथ कर लो तो थोड़ा सा उसके साथ शाम को घूमने का, चौराहे पे बैठ के बुराइयां मत बोलो लेकिन अच्छी अच्छी बातें करो, दो चार ऐसे ओल्ड पीपल रहता है ना सीनियर सिटीजन्स की कंपनी करो, आजकल तो सुबह में गार्डन में सीनियर सिटीजन्स इकट्ठा होकर दो घंटा अच्छा अच्छा लाफिंग क्लब चलाते हैं, योगासन करते हैं, वॉक करते हैं, फिर अच्छा नाश्ता विश्ता करते हैं, गप्पा मारते हैं, कितना अच्छा टाइम अपना पसार करते हैं, शाम को भी इस तरह से गार्डन में बैठ के सब ऐसा कुछ करो ना, इन सीनियर सिटीजन्स के ग्रुप में आप घुस जाओ, अभी ये आपकी इसके ख्यालात लगे आपके सारी जिंदगी भर एक दूसरे का जमा नहीं, तो अभी बुढ़ापे में क्या जमेगा अपना रास्ता कर लो, बाकी थोड़े दो चार घंटे सुबह, दो घंटे सुबह में, दो घंटे शाम में, इस तरह से थोड़ा बाहर निकलाओगे तो आपका भी फ्रेश माइंड हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, सारा दिन घर में रिटायर्ड पर्सन का ऐसा ही प्रॉब्लम होता है,
हस्बैंड को सारा दिन घर में बैठा हुआ देख के उसका दिमाग वाइफ का आउट हो जाता है, कुछ करते नहीं बैठे हैं, कुछ करते नहीं, टाइम पर दो टाइम खाने को मांगते हैं, चार टाइम खाने को मांगते हैं, बैठे बैठे सिर्फ कुछ गलतियाँ निकालते हैं तो और बिगड़ती हैं, और हमारा भी दिमाग ख़राब होता है, कुछ बिल्कुल काम नहीं है, बिल्कुल एकदम अकेले बैठे बैठे हमारा दिमाग भी डेविल माइंड हो जाता है। किधर भी मैं गई तो किधर गई, क्या करने को गई, कि कौन मिला, क्या बात किया आपसे, आपसे भी थोड़ा बूढ़ा मिल गया, उसके साथ घूमने गई थी। और उसका आंसर देने को मेरे को बहुत गुस्सा आता है, तो मैं नहीं बोलती, गुस्सा नहीं, ऐसा जैसे जरा मजाक करना हम करते हैं, नहीं अच्छा लगता है ऐसा मजाक भी करने, लेकिन घूमने चले, आपको मजाक करना अच्छा नहीं, लेकिन वो भी नहीं आ रहा है, क्या आपका घूमने के लिए चल रहा है तो भी नहीं आ रही है वो सुबह में, उसको तबीयत भी अच्छी नहीं रहते, मैं बोला चलो चल के जाएगी अपन, थोड़ा चलते रहे, लेकिन वो नहीं चल रहा है, नहीं आ रहा है मेरे साथ। आप अपना घूमने को निकलो, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलो, बहुत सारे गार्डन में पार्क में सब बूढ़े बूढ़ियाँ चलती है, एक आधा बूढ़ा पकड़ लो, बूढ़ी को मत पकड़ो, नहीं तो इसकी और हालत ख़राब कर डालेगी, तो आपकी दो चार ऐसे ग्रुप हो जाते हैं, रोज़ जाते हैं ना तो फ्रेंडशिप हो जाती है, तो फिर अच्छा लगेगा। हाँ अपना टाइम अच्छा करो, पसार करो। नमस्ते नमस्ते।